जी हाँ दोस्तों, अगर आपने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है एमए एमकॉम एमएससी के प्राइवेट में, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एमए एमकॉम एमएससी प्राइवेट फोर्थ सेमेस्टर में, तो दोस्तों आपके ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा होने का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कब से कब तक आपके फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पर फुल डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है एमए एमएससी एमकॉम के प्राइवेट स्टूडेंट की ओपन बुक पद्धति से जो परीक्षा होने वाली है उनका टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया गया है स्नातकोत्तर के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमए एमएससी मैथमेटिक्स एमकॉम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ओनली, इनकी फोर्थ सेमेस्टर, जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जी हाँ दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट का टाइम टेबल आ चुका है। तो फोर्थ सेमेस्टर प्राइवेट का यहाँ पर टाइम टेबल आ चुका है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर कब अपलोड किए जाएंगे, तो दोस्तों 20 जून को आपके क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद में दोस्तों 21 जून को आप क्या कर पाएंगे, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, 21 जून को आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों 21 जून से लेकर 23 जून के बीच में क्या करना है, आपको अपनी आंसर शीट लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, जो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे उन क्वेश्चन पेपर को अपने आंसर शीट में लिखना है, और लिखने के बाद में दोस्तों क्या करना है, 24 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर के अपनी आंसर शीटें सबमिट करनी है 24 जून से लेकर 25 जून के बीच में। तो यहाँ पर पूरा टाइम टेबल है ही टाइम टेबल है आपके, 20 जून को क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, 21 जून को आपका जो कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रवेश पत्र आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद 21 जून से लेकर 23 जून के बीच में अपनी आंसर शीट लिखनी है घर पर बैठकर, और 24 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में जाकर के अपनी आंसर शीट को सबमिट कर देना है। ओके, अब दोस्तों आंसर शीट वगैरह कैसी बनानी है, यहाँ पर दोस्तों इसके लिए रूल्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो आपको अपनी आंसर शीट बनानी है 20 पेज की, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 20 पेज की बनानी है, जिसमें आपको 18 पेज कैसे बनाने हैं लिखने वाले, और फर्स्ट नंबर पर जो आपको पेज लगाना है फ्रंट पेज लगाना है, फ्रंट पेज कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का फ्रंट पेज डाउनलोड करना है वो यहाँ पर लगाना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो पेज लगाना है वो आपको एडमिट कार्ड का लगाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुख्य पृष्ठ लगाना है। मुख्य पृष्ठ में आपको कितने पेज लिखे हैं, लिखने वाले प्रश्नों की संख्या भी यहां पर लिखनी होगी, यानी कि वो मुख्य प्रश्न में आपको सब कुछ क्लियर मेंशन किया गया है, तो वहां पर जो जो कॉलम दिए गए हैं वो कॉलम आपको फिल करने। इसके बाद में सेकंड पेज पर आपको अपना एडमिट कार्ड की छाया प्रति लगानी है। ओके, तो यहां पर आपको जो क्वेश्चंस लिखने हैं यानी कि जो आंसर लिखने हैं वो 300 शब्दों से ज्यादा आपको अपने आंसर नहीं लिखने हैं, और दोस्तों आपको अपनी हैंड राइटिंग में ही अपने आंसर लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी भाई या बहन से अपने आंसर लिखवा लो, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहां पर आपको सबमिट कर देने हैं। और अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से कॉलेज के एड्रेस पर भी आप अपनी आंसर शीट है सबमिट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में जो आपको अपनी आंसर शीट लिखनी है वो दोस्तों नीले और काले पेन से यूज करनी है, लाल पेन या ग्रीन कलर ऐसे जो उल्टे सीधे पेन आते हैं उन पेन्स का यूज आपको नहीं करना है। ओके, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, तो दोस्तों प्राइवेट के जो भी स्टूडेंट है वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करें, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी आपका डाउट है डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।